हेलो फ्रेंड्स, मेडिगाइड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको अपने इस वीडियो में दाद खाज खुजली से छुटकारा पाने के बहुत ही आसान घरेलू उपाय, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। आप भी दाद खाज खुजली से परेशान हैं तो चिंता ना करें, हम आपके लिए दाद खाज खुजली के बहुत ही आसान घरेलू उपाय लेकर आए हैं, जिन्हें अपना कर आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। वैसे तो लोग दाद खाज और खुजली से बचने के लिए कई तरह के इलाज करते रहते हैं, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी तो यह ठीक हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से सही होने की कोई गारंटी नहीं होती। अगर घरेलू इलाज से ठीक हो जाती है तो जड़ से खत्म होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। दाद एक फंगल इन्फेक्शन है जो बहुत तेज़ी से फैलता है। वहीं खुजली होने पर त्वचा पर लाल पैच उभर आते हैं, जबकि खुजली की समस्या होना आम है। अगर आपको भी आए दिन इनमें से कोई भी समस्या होती रहती है तो आपको ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पुराने से पुराने दाद खाज और खुजली को दूर करने के प्रभावी घरेलू उपाय के बारे में बताएंगे। गर्मियों में त्वचा पर अधिक देर तक पसीना रहने से बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिससे खुजली महसूस होती है। इन सभी समस्याओं को केवल दवा के जरिए ही नहीं, बल्कि घरेलू उपाय की मदद से भी दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं घरेलू उपाय के बारे में। दाद खाज खुजली में कच्चे पपीते का दूध काफ़ी कारगर है। यदि आप कच्चे पपीते के दूध का प्रयोग दाद खाज खुजली वाले स्थान पर करते हैं तो आपकी दाद खाज खुजली बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये दाद खाज खुजली की रामबाण औषधि है। इसे यूज करने से पहले गुनगुने पानी में डिटोल मिलाकर फंगल इन्फेक्शन से प्रभावित जगह को अच्छे से साफ करें। इस उपाय को लगातार 5 दिन करने से आप दाद से छुटकारा पा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि किसी और को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।